नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 14 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 31 मार्च तक बिहार के सभी स्कूलों को किया गया बंद, कई स्थानीय जगहों पर भी लटका ताला। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बचाव बनाए रखने के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने बिहार के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने सभी कल्चरल इवेंट्स, साथ ही साथ बिहार दिवस कार्यक्रम को भी कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार तो अब सभी सरकारी कर्मचारियों को अल्टरनेट डे पर बुलाने का सोच विचार भी कर रही है। वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टाफ नर्स के लिए निकाली रिक्तियां। वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टाफ नर्स के लिए 9,333 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बेसिक बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स आदि की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 मार्च तक wbhrb.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। सिवान के हसनपुरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार का हसनपुरा गांव धनाई नदी के किनारे सिवान से दक्षिणी में 21 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। अरब के किसी दूर देश से एक संत मखदूम सैयद हसन चिश्ती भारत आए थे। वह भारत के लोगों और संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि अपने देश वापस न जाने का फैसला कर लिया। तभी उन्होंने ही हसनपुरा गाँव की स्थापना की थी। इसरो की शुरुआती युविका सूची में बिहार के 10 छात्रों का हुआ चयन। इसरो ने युविका यानी कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम के लिए चयनित छात्रों के नाम की शुरुआती सूची जारी कर दी है, जिसमें बिहार के 10 छात्रों का नाम शामिल किया गया है। हालांकि अभी इसरो ने अपनी अंतिम सूची जारी नहीं की है। खबरों की माने तो इसरो 31 मार्च को अपनी अंतिम सूची का ऐलान करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चयनित इन सभी छात्रों को इसरो के विभिन्न प्रयोगशालाओं में अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकी को समझाने का अवसर दिया जाएगा। भागलपुर में स्ट्रॉबेरी की खेती देख किसान हुए खुश। नवगछिया अनुमंडल के उस्मानपुर के दर्जन भर किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है, जिसको देखकर किसान अब बेहद ही खुश और संतुष्ट है। लगभग एक दर्जन किसानों द्वारा की गई इस खेती से हर दिन लगभग एक क्विंटल स्ट्रॉबेरी किसान तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने इन्हें ऑनलाइन बेचने का काम भी शुरू कर दिया है, जिससे कि इन्हें प्रति एकड़ 3.5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। बिहार में सस्ता हुआ ई रिक्शा और ट्रैक्टर। परिवहन विभाग व्यवसायी और कृषि उपयोग वाले वाहन मालिकों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत बिहार सरकार ने विभाग सर्वक्षमा योजना के तहत कृषि उपयोग वाले वाहन मालिकों और ई रिक्शा चालकों को टैक्स में एक मुश्त छूट दी है, जिसकी शुरुआत बिहार सरकार इस चुनावी वर्ष से करने की तैयारी कर रही है। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे शमीम फारूकी की। शमीम फारूकी मुख्य रूप से एक उर्दू भाषी कवि हैं। उनका जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। वहीं उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से की थी। शमीम फारूकी के कामों की बात करें तो शमीम की जायका नामक किताब की संरचना की थी, जिसने खूब सारी वाहवाही बटोरी थी। बिहार सरकार ने दी 15 लाख शिक्षकों को खुशखबरी। बिहार के सभी डीएलएड शिक्षकों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री लेने वाले सभी शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्य माने जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने सभी डीएलएड पास अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए यह भी साफ कर दिया है कि अब वो पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं दर्ज करेंगे। नेपाल से ज्यादा बिहार को यूपी से बचकर रहने के लिए जारी किए गए संकेत। कोरोना अब धीरे धीरे करके समूचे भारत में अपने पैर पसारने लगा है। वहीं बिहार में वैसे तो अब तक एक भी ऐसे लक्षण के मिलने की खबर नहीं आई है, मगर बिहार सरकार ने नेपाल सीमा पर खास नजर बनाए रखने की अपील की थी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार के लिए ज्यादा परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि यूपी में कोरोना के अब तक एक दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। टीईटी शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया अपने बालों का त्याग। अपने ऐलान के अनुसार सभी टीईटी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से पटना के गर्दनी बाग में बालों का त्याग करवा लिया है। इतना ही नहीं, कल से लेकर 20 मार्च तक शिक्षक हस्ताक्षर मुहिम के तहत नुक्कड़ नाटकों के जरिए अभिभावक पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सड़कों पर उतरे ये सभी शिक्षक सरकार से सहायक शिक्षक और राज्यकर्मी बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत दर्शन के लिए चली रामायण सर की ट्रेन, पहुंची बक्सर। तमिलनाडु से भारत दर्शन के लिए निकली रामायण सर की ट्रेन बीते शुक्रवार को बक्सर पहुंची, जिसमें 400 श्रद्धालु मौजूद रहे। बक्सर पहुंचे इन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया, जिसके बाद सभी यात्रियों ने बक्सर नगरी का भ्रमण किया, जिसके बाद ये सभी अपने आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए।
होली खत्म होते ही वापस लौटने वालों की बढ़ी संख्या। होली का त्यौहार अब खत्म हो चुका है, ऐसे में अब वापस जाने वाले लोगों की कतार बढ़ती ही जा रही है। वापस लौटने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि तत्काल टिकट लेने वालों की लाइन भी लंबी हो गई है। पटना से जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, ट्रेन की टिकट नहीं मिलने पर बसों से भी काम पर लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोइलवर पुल पर परिचालन अब सप्ताह में दो दिन रहेगा बंद। 15 मार्च से कोइलवर पुल के उत्तरी लेन के रोड क्रॉस गार्डर को बदला जाना है, जिसको पूरा करने के लिए लगभग 2.5 महीने का समय लगेगा, जिसको की ध्यान में रखते हुए अब कोइलवर पुल को 15 मार्च से 24 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह पुल सप्ताह में बुधवार और रविवार के दिन बंद रहेगा, जिसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दे दी है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का रखा गया लक्ष्य। किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी करने की मुहिम में बिहार सरकार जुट गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार भी अब सामने आकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी पर खास ध्यान दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी का यह मानना है कि किसानों को फलों, सब्जियों और मसालों की खेती करने से ज्यादा फायदा होता है, और यही कारण है कि केंद्र सरकार किसान एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर ज्यादा जोर दे रही है। इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन की आज आखिरी तारीख। कॉपी चेकिंग की तारीख को 9 मार्च से बढ़ाकर 14 मार्च किए जाने के बाद आज कॉपियों के मूल्यांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि बोर्ड को कॉपियों के मूल्यांकन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर निर्देशानुसार कॉपी जांचने की आखिरी तारीख आज खत्म हो जाएगी, तभी बोर्ड भी अपने वादे अनुसार समय पर रिजल्ट की घोषणा कर पाएगा। सड़कों पर उतरे शिक्षकों को 23 मार्च को गांधी मैदान देने से किया गया इनकार। समान काम समान वेतन की मांग को लिए सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार अपना सख्त रवैया अपनाए हुए है, जिसके तहत ही नियोजित शिक्षकों को 23 मार्च को गांधी मैदान में विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई है। खबरों की माने तो सभी नियोजित शिक्षकों के गांधी मैदान में जाने नहीं देने के लिए अधिकारियों को सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से भेजे गए तीनों उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है, जिसके तहत जदयू की तरफ से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर ने अपना नामांकन भरा है। वहीं भाजपा की तरफ से इस बार राज्यसभा में सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर ने नामांकन भर दिया है। खबरों की माने तो इन सभी उम्मीदवारों ने नामांकन नीतीश कुमार और सुशील मोदी की उपस्थिति में भरा है। राज्यसभा से चूके सांसद अब विधान परिषद में जाने का ढूंढ रहे हैं रास्ता। राज्यसभा में टिकट की रेस में पीछे छूटे सभी नेता अब विधान परिषद में जाने की जुगत में जुट गए हैं। परिषद में आने वाले मई महीने में कई सीटें खाली होने वाली है, जिसमें 9 सीटें विधानसभा कोटे की है। वहीं स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटें खाली होने वाली है। इसके अलावा 12 अतिरिक्त सीटों को मिलाकर कुल 29 सीटें खाली हो रही है, जिसके टिकट के लिए अब सभी नेता जी हुजूरी करने में जुट गए हैं। राजद के दोनों राज्यसभा प्रत्याशी हैं काफी धनवान। राजद द्वारा राज्यसभा के लिए भेजे गए दोनों प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद से सियासी गलियारे में हलचल उत्पन्न हो गई है। इसी बीच यह भी बात सामने आ रही है कि राजद के इन दोनों ही प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजने की वजह यह है कि ये दोनों ही उम्मीदवार धनवान हैं। प्रेमचंद्र गुप्ता अरबपति है, तो वहीं अमरेंद्रधारी सिंह के पास भी करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा के तहत तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बेरोजगारी हटाओ यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां से वो आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मेरी यात्रा के दौरान जुटे लोगों को देखकर ही मुख्यमंत्री जी की हालत खराब हो गई है। अभी तक तो बस 4 जिलों में ही हमने यात्रा की है, अभी तो पूरा बिहार बाकी है। कुशवाहा समाज ने भाजपा को चुनाव के समय परिणाम के लिए तैयार रहने की कही बात। बिहार भाजपा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन कोई न कोई तबका अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठा ही रहा है। इसी क्रम में राज्यसभा की सीट पर सीपी ठाकुर के बेटे को भेजने के ऐलान के बाद कायस्थ समाज ने पहले ही भाजपा से दूरी बना ली थी। अब कुशवाहा समाज ने भी भाजपा से विधानसभा चुनाव के समय में परिणाम के लिए तैयार रहने की बात कही है। तो चलिए बढ़ते हैं मौसम के खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे ही सही, मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के आसार है, तो वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कोरोना का असर अब शेयर बाजार पर। जहां एक तरफ कोरोना ने आम नागरिकों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है, अब कोरोना का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो बीते कुछ समय से कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बिहारी निवेशकों के भी 500 करोड़ पर असर पड़ा है।
15 अप्रैल तक आईपीएल के कार्यक्रम को किया गया स्थगित। सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए अहम सूचना। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आईपीएल के आयोजन की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत आईपीएल के आयोजन को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है। हालांकि अभी आईपीएल के आयोजन की नई तारीख सामने नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आईपीएल का यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च से शुरू होना था। सीट बंटवारे को लेकर शरद यादव का आया बयान। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच जहां एक ओर सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में शांति है, तो वहीं महागठबंधन दल में खींचतान का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत शरद यादव ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस महीने मैं अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है अरफानाज, सोनू यादव, अमित कुमार, अंकित कुमार, ब्रजभूषण गोंड, सकल सिंह, विकास कुमार, ऋतु रानी, असीम इकबाल, विपिन कुमार, विकी कुमार, ऋषभ कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आप अपने हिसाब से अपने जिले के सबसे ज्यादा मशहूर व्यक्ति का नाम बताएं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।